zombie apocalypse. सब्सक्राइब करना मत भूलना, पहले ये करो फिर वीडियो देखो। तो हेलो, ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग। आज मैं आ चुका एक नया वीडियो लेके। तो ये वीडियो मैंने कुछ दिन पहले पोस्ट की थी एक शॉर्ट्स, तो उसमें मैंने बोला था आप लोगों कुछ मिथ कमेंट करने के लिए, मिथ बस्टर की सीरीज स्टार्ट करूँगा। तो आज उसका एपिसोड नंबर 1। तो ये देखो, ये मेरा नया कैरेक्टर है। तो पहला मिथ है कि अगर हम लावा में जंप करें तो हमें मैजिक देखने को मिलेगा। क्या ऐसा भी होता है? चलो पहले एक लावा का पूल बना लेते हैं खुद से ही। तो गाइस ये बन गया हमारा लावा पूल। तो चलो हम इसमें, अरे पहले रुको, पहले सर्वाइवल तो करने दो। तो हम एक कोड लिख देंगे /gamemodesurvival। ये क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता, लैग ये लिख दिया गेम मोड सर्वाइवल। ओके तो चलो पहले सर्वाइवल होने दो, फिर जंप मारेंगे। तो गाइस जंप मारने के लिए रेडी रेडी स्टेडी गो। चलो चलो, क्या मैजिक होता है, ये क्या मैजिक हो रहा है, कौन सा मैजिक हुआ? ये तो हम सीधा मर गए, यही मैजिक था क्या? इतना बड़ा मैजिक मैंने आज तक नहीं देखा। मैं हम लावा में जंप करने से मर जाते हैं? ओ माई गॉड। तो हमारा दूसरा मिथ है कि अगर हम एनविल के, मतलब एनविल एक फ्लावर के ऊपर ड्रॉप करें तो एनविल टूट जाएगा। ये कैसा लॉजिक हुआ भाई? चलो वापस क्रिएटिव मोड में जाकर सब कुछ बना लेते और एक बार देखते क्या सच्ची में कोई मैजिक होता है क्या। भाई पूरा नकली है, कोई भी मैजिक नहीं होता। तो चलो कर लेते। तो गाइस कॉन्ट्रैप्शन बना लिया है हमने। ये देखो, ये फ्लावर भी लगा दिया, इसके साथ मैंने क्रॉप भी लगा दिया है और ऊपर देखो इतने सारे एनविल्स। तो चलो पहले फ्लावर के ऊपर ट्राई करते हैं। फ्लावर, ये तो सारे एनविल टूट गए, फ्लावर इतना पावरफुल है। चलो क्रॉप के ऊपर भी ट्राई करते हैं, क्रॉप उसने नहीं बोला था फिर भी हम ट्राई करेंगे। ये भी हुआ ऐसे गाइस, ये जो इनमें आपको किसने लिखा वो नहीं दिखेगा कुछ कुछ कमेंट्स में, क्योंकि वो मैंने खुद ही लिखा है मेरे को, ताकि कम से कम मिथ तो आए। मैंने खुद को 5 मिथ लिखे और बाकी सारे किसी और ने लिखे, मतलब 8 मिथ आए थे टोटल, 5 मैंने खुद ने लिखा और बाकी सब मेरे सब्सक्राइबर्स ने लिखे। तो चलो ये सब, मतलब 4 मिथ मैंने खुद लिखे, बाकी सारे सब्सक्राइबर्स, 4 सब्सक्राइबर 4 मैं खुद, समझ में आए। तो फिर तीसरा मिथ है कि अगर हम अपने UI को पॉकेट कर ले फिर हमें एक बीकन लेना है। बीकन को लगाने के बाद हमारे इन्वेंटरी में बस एक आइटम होगा, तो अगर हम उसको लगातार डुप्लीकेट, मतलब क्लिक करते रहे तो वो डुप्लीकेट हो जाएगा। ऐसा सच्ची में होता है? लेट्स ट्राई। तो चलो मैं पहले सब कुछ कलेक्ट कर लेता हूँ, फिर सर्वाइवल में चलते हैं। तो गाइस हम आ चुके हैं सर्वाइवल में। चलो ये हमने ले लिया एक बीकन, एक रॉ आयरन, एक डायमंड और एक नेदराइट का ब्लॉक। चलो करके देखते हैं सच्ची में होता है क्या। पहले आपको बीकन प्लेस करना है, फिर उसको खोल के आपको बस आइटम पे लगातार टैप करके रहना है। गाइस ये तो काम कर रहा है, एक से मेरे पास 64 हो गए डायमंड, इसमें भी काम कर रहा है। नेदराइट अभी दिया, नेदराइट का ब्लॉक पे भी काम कर रहा है। ओ भाई ये सर्वाइवल में बहुत ही ज़्यादा काम का है, हमको बस एक विदर को डिफीट करना है, फिर हमारे पास अनलिमिटेड आइटम बस इतना ही, और एक बीकन बनाने के लिए तो कितना आइटम्स लगता है वो तो मैं भूल गया। तो चलो नेक्स्ट मिथ ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट मिथ हम है कि अगर हम लावा में जंप करके सर्वाइवल में जल्द से 7 क्विट करके वापस से मतलब वर्ल्ड के अंदर आए तो हमें डैमेज, मतलब हम किसी सेफ जगह पर टेलीपोर्ट हो जाएंगे। मतलब अगर मैं इस लावा में जंप किया फिर मैं जल्दी से 7 क्विट करके वापस
वर्ल्ड के अंदर आया तो मैं किसी सेफ जगह पर होऊंगा, लावा के अंदर नहीं। भाई चलो ट्राई करते हैं, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। लेट्स ट्राई। चलो 3 2 1 गो। चलो मैंने सेव एंड क्विट कर दिया है। चलो वर्ल्ड के अंदर वापस से जाके देखते हैं, तब तक मैं पॉज करके रखता हूँ। तो गाइस वर्ल्ड लोड होने वाला है, देखते हैं कि हम कोई सेफ जगह पर होते हैं या फिर लावा के अंदर। लगता तो है मैं लास्ट टाइम मर गया था। अगर ये नहीं हुआ तो वापस से फायर प्रोटेक्शन का आर्मर लगा के ट्राई करेंगे। गाइस क्या हुआ भाई, सच्ची में मैं बचा हुआ हूँ। मैंने लास्ट टाइम लावा में जब जंप किया था वो सीधा बैक हो गया, मतलब क्या बोलते हैं, मैंने जहाँ पर लावा पे जंप किया था तब तक ये सारा गेम बैक हो चुका है। ओ भाई ये तो ओपी लेवल का है। तो ये वाला मिथ है कन्फर्म्ड। तो चलो अगला और लास्ट मिथ ट्राई करते हैं, जो मेरा पर्सनल फेवरेट मिथ है कि हमें एक स्लाइम ब्लॉक रखना है। अच्छा मैं सीधा करके दिखाता हूँ क्रिएटिव में जाके, इतना बता के नहीं करते। तो गाइस ये वाला मिथ करने के लिए हमें बस चाहिए स्लाइम ब्लॉक और बोट। तो पहले हमको स्लाइम ब्लॉक को ऐसे प्लेस करना है, फिर उसके ऊपर बोट को रख देना है, फिर 2-3 सेकंड हमको वेट करना है। तो चलो वेट कर लिया। अभी आप कोऑर्डिनेट्स की तरफ गौर करना, ये देखो ये हमें लॉन्च कर देगा, फिर हम लीप करके ऐसे फ्लाई भी कर सकते। रुको मैं दिखाता हूँ, ये मेरा फेवरेट क्यों है। बोर्ड को रख दिया, 2-3 सेकंड वेट करते करते हम अपने इलाइट्रा को पहन लेते हैं। चलो 2-3 सेकंड हो गए, फिर हमें इस पर बोर्ड करना है, लीव करके वापस से जंप कर देना है। देखा कितना अच्छा वाला इलाइट्रा लॉन्चर है। फिर आपको स्मूथली लैंड करना, तो अरे भाई स्मूथली लैंड करना था लावा के अंदर नहीं। बस वैसे कि आपको पता था कि हम लावा के अंदर भी एलाइट्रा को चला सकते हैं, ये मैं किसी दूसरे एपिसोड में देने वाला था, लेकिन आज मैंने बोल दिया तो बोल दिया। ये देखो एलाइट्रा यूज़ हो रहा है लावा के अंदर। लिटरली गाइस ये नेदर में कितना काम कर सकते हैं आप सोचो। मैं एक बार दूसरी बार आपको ट्राई करके दिखाता हूँ, ये देखो। उसको रख के साथ साथ बोट कर दिए तो ये जंप कम होगा, इसको जितनी देर ऐसे रखोगे उतनी ज़्यादा जंप ये करेगा। मैं थोड़ा सा कट करके मैं दिखाता हूँ, थोड़ी देर करूँगा मैं, फिर आप देखना क्या होता है, कितनी ऊपर जाता है ये। गाइस ये देखो दिस इज कॉल्ड द मून। तो हमारे ये बहुत देर हो चुका है, लेट्स ट्राई ये कितना ऊपर जाता है। चलो बूम पैम बोर्ड। चलो देखो कितना ऊपर गया है, इस बार पिछली बार से भी ज़्यादा ऊपर गया है। मैं भी फ्लाई करके आपको नहीं दिखाने वाला हूँ क्योंकि मैं रॉकेट भी नहीं दूंगा। इसके अंदर क्या है ना लाइट भाई, यहाँ पर पहले से लावा था और मैंने यहाँ पर एक और लावा पुल बना दिया आपको दिखाने के लिए सब कुछ। ओ भाई अच्छा तो आज के लिए इतना ही, रुको थर्ड पर्सन में नाम। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।